नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुख सुविधाओं में कोई कमी न आ जाए, इसके लिए गहलोत सरकार एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है। राज्य में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, फिर भी बीजेपी की बड़ी नेता वसुंधरा राजे की सुख सुविधाओं में कोई भी कमी न रह जाए, इसको लेकर गहलोत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बंगला नंबर 13 एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि पद से हट जाने के बाद कोई भी नेता खास नहीं होता बल्कि आम आदमी हो जाता है। इसीलिए पूर्व नेता को सरकारी बंगला, गाड़ी, नौकर, ये सभी सुविधाएं सरकार को दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक गहलोत सरकार वसुंधरा राजे पर दरिया दिली दिखा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे ने सरकारी सुविधाओं में शामिल कर्मचारी, कार्यालय स्टाफ के साथ सरकारी वाहन सरकार को लौटा दिया है, लेकिन बंगला नंबर 13 वसुंधरा राजे के पास ही रह सकता है। दरअसल बंगला नंबर 13 वसुंधरा राजे को एमएलए कोटे के तहत आवंटित किया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस सरकार वरिष्ठ एमएलए के बंगला आवंटन को लेकर शीघ्र एक पॉलिसी बनाएगी। आपको बता दें, गहलोत सरकार चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सभी सरकारी सुख सुविधाएं मिलती रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गहलोत सरकार की एक भी नहीं चली। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो वसुंधरा राजे को चेतावनी भी दी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वसुंधरा राजे बंगला खाली नहीं करती तो आंदोलन करेंगे। इसके बावजूद भी गहलोत सरकार अब नया दाव पेच चलकर वसुंधरा राजे का बंगला नंबर 13 सुरक्षित रखना चाहती है और इसके लिए एमएलए कोटे के तहत कमरा नंबर 13 वसुंधरा राजे को आवंटित किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।